माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी को उम्मीद से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताना, मैं अच्छी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऐसा एक प्रॉब्लम जो अभी बोल सकते हैं घर घर में ये ढुक चुका है, अपना जड़ इसने ऑलमोस्ट हर घर पे फैला लिया है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बोला है, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईच एंड एवरी घर पे, मैंने कहा कि ऑलमोस्ट हर घर पे इस प्रॉब्लम ने अपने जड़ फैला लिया है। वो है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं एट अ टाइम। मुझे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी था, रातों को नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि गले पे कोई लम्स अटका हुआ है, मैं ब्रीथिंग नहीं कर पाती थी, रात रात भर मैं डर डर के उठ जाती थी, चैन कहीं खो चुका था, सारे होल डे कैसे करके कट जाते थे, बट नाइट सबसे ज्यादा डरावना होता था। सो यस, मैंने भी एंजाइटी फेस किया है, तो मुझे पता है ये कितना पेनफुल होता है, कितने ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। और एंजाइटी के अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो है इससे भी बहुत सारे लोग जूझते हैं। सो मैं आज ऐसे कुछ क्रिस्टल्स को लेके आई हूँ ताकि ये आपको बहुत ज्यादा मदद करे। मैंने भी कुछ क्रिस्टल्स यूज किए हैं, कुछ खुद में ही सेल्फ थेरेपीज ली है, जिसकी वजह से मैं आज काफी हद तक एंजाइटी फ्री हूँ और बहुत अच्छे से मैं सो पाती हूँ। वो जो डिस्टर्बेंस थी रात की वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का ये नीड भी होता है कि आप ऐसा कुछ बताइए ताकि हमें रिलीफ मिल सके, ऐसा कोई क्रिस्टल भी बताइए। सो देखिए, सबसे पहले आपका जो एंजाइटी है आपको सेल्फ थेरेपी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा चीज आपको एंजाइटी दे रहा है, कौन सा सिचुएशन, कौन सा थॉट या कौन सा चीज है जो आपको एंजाइटी दे रहा है, उसके ऊपर बेस आपको खुद की थेरेपी करनी है। उसके बाद तो क्रिस्टल्स हैं और फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ भी हो अपने फैमिली अपने लव वन से जरूर शेयर करें। सो आज का जो पहला क्रिस्टल है जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से बहुत अच्छे से फाइट करता है वो है मूनस्टोन। यस, मेरा बहुत फेवरेट मूनस्टोन है। मैंने इसका क्रिस्टल बहुत यूज किया है, एज अ ब्रेसलेट मैं इसे पहनती थी, अभी भी मेरे पर्स पे रखा हुआ रहता है। देखिए, जरूरी नहीं है हम जितने भी क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहने या ज्वेलरी ले वो एट अ टाइम पहन के रहे, वो जरूरी नहीं है, आप उसे खुद के साथ कैरी कीजिए। तो मैं मूनस्टोन जो है उसे खुद के साथ कैरी करती हूँ। फिलहाल जो मैंने पहना है वो है पायरेट। आपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में मेरे हाथ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेसलेट देखा होगा, क्योंकि मैं एक साथ सारे के सारे नहीं पहनती, इतना कौन पहन के घूमेगा ऑफकोर्स। सो ऐसा है कि आप उसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूनस्टोन क्या करता है, पेशेंस, आपके अंदर जो वो धैर्य होता है, आपके अंदर जो सहन शक्ति होती है, जो सहनशीलता होती है, उसको बहुत हद तक बढ़ाता है। बैलेंसिंग आपके लाइफ में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ताकि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सबसे फाइट कर सके। क्योंकि कहीं भी बैलेंस अप्स एंड डाउन होता है ना, तो ये सारी चीजें हमें घेर लेती है, जकड़ लेती है। सो ये बैलेंस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस को बहुत ज्यादा ईज करता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, हम सबको पता है, तो उसे बहुत ज्यादा ईज करता है। हमारी जो इंट्यूशन पावर होती है उसे बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। कहीं ना कहीं हमें जब एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, या हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो हमारी जो थॉट होती है, जो हमारी इंट्यूशन पावर होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, एक जगह पे जाकर स्टक हो जाती है। हम खुद को हैप्पी करने के लिए या खुद को चेयरअप करने के लिए कुछ और ज्यादा थॉट अपने दिमाग में ला ही नहीं पाते, कुछ डिफरेंट इमेज ही नहीं बना पाते हैं हम हमारे दिमाग में। सो ये हमारे इंट्यूशन को एनहेंस करता है, ताकि हम अपने मूड को हैप्पी करने के लिए, चीयर करने के लिए अपने थॉट को काम पे लगा सके। सो मूनस्टोन आप जरूर यूज करना अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट, जैस्पर। व्हाई जैस्पर? करेज देता है ये हमें इन सब चीजों से फाइट करने के लिए, इन सब चीजों को दूर रखने के लिए। ये हमारे अंदर करेज देता है, बहुत ज्यादा हमारे लव प्रोवाइड करता है, हमारे इन हार्ट हम खुद को लव करने लगते हैं, खुद से प्यार होता है, सेल्फ लव डेवलप करता है ये। प्रोटेक्शन देता है नेगेटिविटी से, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा रीजन होती है इन सब की। कोई अगर आपके कान के सामने ना ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोलता है, नेगेटिव बातें करता है, सो वो नेगेटिविटी आप पे हावी होने लगती है। सो इन सब चीजों से दूर रहिए, जैस्पर यूज कीजिए। नेगेटिविटी से वो काफी हद तक हमें प्रोटेक्शन देता है, स्टेबिलिटी देता है हमारे माइंड में, थॉट में, हमारे हार्ट में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एनर्जी देता है हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, ताकि हम इन सब चीजों से फाइट कर सके, खुद से दूर रखने के लिए।
और स्ट्रेस में काफी हद तक रिलीफ पहुंचाता है। तो जैस्पर भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक छोटा ब्रेक लूंगी, ब्रेक मतलब कि कोई ऐड नहीं दे रही हूँ मैं आपको। मैं ये ब्रेक में आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो भी क्रिस्टल यूज करें, मैं हर क्रिस्टल के वीडियो में बोलती हूँ, आप जो भी क्रिस्टल यूज करें, जिस भी फॉर्म में यूज करें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक रॉक है, एक क्लस्टर है, आप जिस भी फॉर्म पे यूज करें, चाहे ब्रेसलेट, कोई भी फॉर्म पे, आप उसे ला के बस ऐसे सजा के मत रख दीजिए अपने घर पे। आप उन्हें लाइए, उन्हें प्रॉपर क्लीन कीजिए, चार्ज कीजिए, अपने इंटेंशन के साथ ज्वाइन कीजिए, कनेक्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आप उसे धारण कीजिए या जहां पे रखना है उसे प्रॉपर जगह पे रखिए और भूल मत जाइए, उसे देखते रहिए, गेस कीजिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, वीकली बेसिस पे क्लींजिंग कीजिए, चार्ज कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। तो इससे आपको क्रिस्टल बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन होती है कि मुझे तो क्रिस्टल से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं रखते हैं, उसे क्लींज नहीं करते हैं। सो ये मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ये ऐड को, ये जो मैंने ऐड दिया, मैंने जो ब्रेक लिया था, मैंने इस ब्रेक को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है यूनाकाइट। अब यूनाकाइट, यूनाकाइट कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे एंजाइटी को ना बहुत ज्यादा काम कर देता है। हमारे अंदर जो एंजाइटी होती है ना उसे बहुत ज्यादा शांत कर देता है, तो हमें बहुत बेटर फील होने लगता है। हमें कंफर्ट जोन का एहसास कराता है कि हम जहां पे है कंफर्ट जोन में है, हमारा थॉट एक कंफर्ट जोन में है। सो एक कंफर्ट का एहसास दिलाता है। सो आप यूनाकाइट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवेंचुरिन। अब आप बोलेंगे तो आप एवेंचुरिन तो प्रॉस्पेरिटी भी लाता है। जी हाँ, एवेंचुरिन प्रॉस्पेरिटी के लिए भी यूज होता है, एवेंचुरिन हेल्थ के लिए भी यूज होता है। सो हेल्थ से ही जुड़ा हुआ तो है हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। सो एवेंचुरिन क्या करता है, ये भी हमारे एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस का जो लेवल बहुत बढ़ जाता है उसको बहुत ज्यादा सूद करता है, एक सूदिंग फीलिंग देता है हमारे अंदर। क्योंकि एवेंचुरिन, ग्रीन कलर का, ग्रीन एवेंचुरिन जो अब आता है ना, आपको पता है कि आप अगर मेरे कलर वीडियो में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्रीन कलर होता है हमारे विजन को इम्प्रूव करता है, हमें सुकून देता है, शांति देता है, पीस का एहसास कराता है। सो दैट्स व्हाई एवेंचुरिन को आप यूज कर सकते हैं अपने एंजाइटी, स्ट्रेस को सूथ करने के लिए। नेक्स्ट है स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स बहुत अच्छे से आपके डर को, आपके एंगर को, आपके स्ट्रेस को रिलीफ पहुंचाता है। आपको बहुत ज्यादा एक कंफर्ट फील होता है, आपको फील होता है कि आप एकदम रिलैक्सेशन प्लेस पे है। सो स्मोकी क्वार्ट्स ये काम करते हैं। इसके अलावा आपके जो डिप्रेशन का लेवल है उसको बहुत ज्यादा डाउन करता है, आपको ग्राउंडिंग का एहसास दिलाता है। जब भी आप ग्राउंडिंग आपकी खराब हो जाती है या तो फिर आप ग्राउंडेड नहीं होते हो तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, अजीब अजीब से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो ये ग्राउंडिंग करता है, प्रोटेक्शन देता है। सो आप स्मोकी क्वार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैंने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे इसकी बात की है, वो है ब्लैक टॉर्मलाइन। एक मैजिकल प्रोटेक्शन देता है, यू नो, आपको एक सेफ जोन का एहसास दिलाता है, आपके नाइटमेयर को दूर करता है, आपको ग्राउंडेड करता है, ग्राउंडिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है, आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, एंगर को काफी हद तक ये कंट्रोल करता है ताकि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लड़ सके। सो ये कुछ जो मैंने क्रिस्टल बोली है बहुत गिनी चुनी क्रिस्टल है जो कि स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिलीफ दिलाती है और बेस्ट क्रिस्टल बोला है मैंने इन सब चीजों के लिए। सो अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं तो मैं अगेन बोल रही हूँ, फैमिली से जरूर शेयर करें, लव वन से जरूर शेयर करें, सेल्फ थेरेपी ले, अगर जरूरत पड़े तो आप साइकोलॉजिस्ट भी दिखा सकते हैं इसके लिए, डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। और क्रिस्टल ये सब जरूर यूज करें, बहुत 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 बेनिफिट मिलता है इन सबसे। देखिए कोई भी एक चीज नहीं होती, अगर हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर हमें मेडी और इंजेक्शन दोनों की जरूरत होती है ना तो डॉक्टर से मेडी देके नहीं छोड़ेगा आपको, या इंजेक्शन नहीं देगा, या इंजेक्शन देके बोलेगा मेडी मत लो, दोनों ही आपको करना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि क्रिस्टल की जरूरत है वैसे भी थेरेपी की भी जरूरत है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप सेल्फ थेरेपी लीजिए जैसे मैंने ली थी। सो ये कुछ काम है जो आप कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी चीजें नहीं है कि आप छुपा के रखें, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी से मैं गुजर रही हूँ, जी नहीं, कोई शर्मनाक बात नहीं है ये।
बल्कि आप अगर अपना ये सब चीज शेयर करते हैं और आप जब क्योर होते हो तो आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत 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 मदद हो जाता है। सो प्लीज इन सब चीजों से जल्द बाहर निकलिए, थेरेपी लीजिए, सेल्फ थेरेपी लीजिए, इन सब चीजों को अपने फैमिली लव वन के साथ शेयर कीजिए, क्रिस्टल्स यूज कीजिए, और हाँ क्रिस्टल को वैसे ही यूज कीजिए जैसे मैंने बताया है। और कोई भी क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड सो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी हर एक कमेंट का आंसर देने के लिए आप लोगों के क्वेश्चन का। बट हाँ नेगेटिविटी मत फैलाइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही जरूरतमंद वीडियो, मैजिकल वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।